हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल माइंड नर्चर। दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल। और इस पहले वीडियो में मैं बच्चों से और उनके गार्जियन से कुछ खास बातें करना चाहता हूँ। पढ़ता बच्चा बचपन से है, गार्जियन लोग पढ़ा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं क्या है, कुछ बच्चे पढ़ते 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 टेंथ तक आते हैं, टेंथ के बाद इलेवेंथ में आते हैं, इलेवेंथ में आने के बाद चेंजेस आ जाते हैं। कुछ बच्चों में ड्रेस्टिक चेंजेस आते हैं, लो होते हैं हाई हो जाते हैं, और कुछ बच्चे हाई होते हैं लो हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है बच्चों कि देखो, टेंथ से जब आप इलेवेंथ में जंप करते हो, उसकी पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो टेंथ में अब तक हमने पढ़ा है वो एक तरह से ABCD होती है, जो एक्चुअल में अब हम लोग इलेवंथ और ट्वेल्थ में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और एक और चीज़, ये जो चैनल है ये स्पेशली मैं नीट वाले बच्चों के लिए है। नो डाउट इसमें जो CBSE बोर्ड के इलेवंथ और ट्वेल्थ के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको दोनों को इसमें हेल्प होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में। और बायो के लिए तो ऑब्वियसली बात है, जब नीट के लिए है तो बायो वाले बच्चों को तो फुल हेल्प होगी। यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों, देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास हुनर नहीं है, टैलेंट नहीं है। हुनर सबके पास है, टैलेंट सबके पास है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कि बच्चा फंस के रह जाता है, समझते हैं। बात करूँगा सबसे पहले मैं क्लास 11th और 12th के बच्चों की प्रॉब्लम के बारे में। नीट, ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स तो दोनों के लिए हो सकता है, एनी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो ये प्रॉब्लम बच्चों को फेस होती हैं। मैं यहाँ बच्चों को स्पेशली नीट के लिए फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, जो बच्चे नीट के लिए फोकस्ड हैं। और प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, देखो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, बच्चा इसको नज़रअंदाज कर देता है पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देता है। लैंग्वेज, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये इंग्लिश में है, और मैंने अपने टीचिंग कैरियर में देखा है बच्चों को इंग्लिश का सही मीनिंग निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। पढ़ लिया, रट लिया, डेरिवेशन याद कर लिए, न्यूमेरिकल रट लिए, किसी तरीके से पास हो गए, या जो पढ़ा था वो फंस गया, नंबर अच्छे आ गए, बट लैंग्वेज जो इंग्लिश में लिखी हुई है उसको एग्जैक्ट मीनिंग निकालने में बच्चों को इतनी प्रॉब्लम आती है कि आते हुए क्वेश्चन सही मीनिंग ना निकाल पाने के चक्कर में बच्चों के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे सिली मिस्टेक्स करके आते हैं कि अरे सर ये तो ये एक सवाल था, हम तो इतने जो तो आता था हमको। तो बच्चों ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि जो लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑब्वियसली बात है, जो उसको लैंग्वेज समझ में आ रही है ना, उसके बाद उस बच्चे को सिर्फ एक चीज़ समझनी है, कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट हर टीचर दे रहा है, देखो कॉन्सेप्ट हर टीचर दे रहा है, बट ये चीज़ बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि वो फंस कहाँ रहा है। देखो बच्चों, आप लोग फंस रहे हो इस लैंग्वेज में, कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के, कुछ वर्ड्स हैं पढ़ाई जा रही है फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं पढ़ लिया, बस उसको समझा नहीं है, लैंग्वेज को समझा नहीं है। और जब वो क्वेश्चन की फॉर्मेट में आया था हमारे पास, तो फिर हो जाती है प्रॉब्लम। वहाँ पर जाके एग्ज़ाम में थोड़ा सा नर्वसनेस भी होता है, प्रेशर भी होता है, और हम लोग उलझ के रह जाते हैं कि काश ये थोड़ा पढ़ लिया होता है, और नर्वसनेस हो जाती है, तो उस बीच में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी पढ़ाई करें, एक एक वर्ड सेंटेंस को रीड करें, और रीड कर हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जब भी उसको पढ़ रहे हो, उसका एक एक सेंटेंस को रीड करो, देखो क्या उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकाल पाए। उसमें कोई वर्ड था अगर, तो क्या उस वर्ड का मीनिंग, उसमें जितने सेंटेंस में वर्ड थे, क्या उस वर्ड की मीनिंग समझ पाए हो? क्योंकि बच्चों वही वर्ड उठ करके हो सकता है, और खासकर बायो में वही सेंटेंस उठ करके तुम्हारा चार ऑप्शन में आता है, पूछ देते हैं विच इज़ नॉट ट्रू, और बच्चा उसमें थोड़ा सा वो लोग उलट फेर कर देते हैं, बच्चा उसमें फंस जाता है। पहली चीज़ मस्ट है, अगर आप लैंग्वेज पे कमांड नहीं है आपकी, मैं ये नहीं कह रहा आप जाके इंग्लिश की क्लास अटेंड करें, साइंस की लैंग्वेज को समझना है, साइंस की लैंग्वेज में कमांड नहीं है, आप लाख पढ़ाई करें, सिलेक्शन से कोसों दूर रहेंगे, सिलेक्शन से पास आएंगे लेकिन सिलेक्शन को नहीं ले पाएंगे। दूसरी चीज़ सेल्फ एनालिसिस, बच्चा नहीं करता कभी भी, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अभी जब भी आप इस बार कभी नंबर कम आते हैं ना, तो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना, उसमें आपको आपका ये पहला वाला प्रॉब्लम पक्के से निकल के आने वाला है,
कि मेरे को इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, मैं लिख नहीं पाया, मैं इस तरीके से लिखना चाहता था उसको नहीं लिख पाया। सेल्फ एनालिसिस, इस बार नंबर कम आए तो क्यों आए। बच्चे लोग नीट की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, 10 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, जो भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन थे उसमें से वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे गलत हो गए वो क्यों हो गए, कभी नहीं करता बच्चा। बच्चा बस हो जाता है, खासकर ये 11th 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। और जो लोग कर रहे हैं बच्चे, वो अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जिनका लैंग्वेज प्रॉब्लम अच्छा है, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, उनको ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ उनको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तीसरी चीज क्लास, ट्रस्ट योर सेल्फ। होता क्या है, इन दो चीज़ों को मैं एक साथ लेना चाहूँगा, स्मॉल सिटी बिलीफ। ज़्यादातर बच्चों का 99% बच्चों का बिलीफ है, अरे मैं तो छोटे से शहर में हूँ, यहाँ पढ़ाई कहाँ अच्छी होती है, हम कोटा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, मतलब एक बड़े शहर में जाना है हमको और वहाँ पे जाके हम तैयारी करेंगे, वहाँ हमको टीचर बढ़िया से बताएगा। तो बच्चों मेरा एक सवाल ये है, आप मेरे को एक चीज़ सिर्फ ये बता दें, आपने जो 11th में पढ़ेंगे या 11th पढ़ के 12th में आ गए हैं, ठीक है, या 12th पढ़ चुके हैं, मेरे को सिर्फ एक चीज़ ये बताएं, क्या इसके अलावा, क्या ये जो आपने 11th 12th है इस पे आपने कमांड अच्छे से करी है, क्या इसके अलावा कोटा में या किसी और जगह पर दिल्ली में सॉरी कुछ वो लोग नया पढ़ाएंगे? नहीं, चीज़ वही होगी, फर्क आएगा तो आपकी सोच में, फ़र्क आएगा तो आपकी सोच में। आप सोचोगे हम तो कोटा में आ गए हैं, हम तो दिल्ली में आ गए हैं, तो हमको अब ये टीचर ने बताया, वही बात आपको वही टीचर आपको 11th क्लास 12th क्लास में बताता, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि हम जब बाहर जाएंगे कोचिंग के लिए हम तब तैयारी करेंगे। नहीं क्लास, अभी से तैयारी करो, अभी से इसी वक्त से यही सही टाइम है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि आप छोटे से छोटा शहर क्या होता है, आपके पास किताबें हैं ना, टीचर उन्हीं किताबों को पढ़ा रहा है, चाहे यहाँ पे हो चाहे कोटा में हो, आप उन किताबों को पढ़िए और जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, टीचर अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है उसके बावजूद अगर आप टीचर के पास पढ़ रहे हैं तो ये आपका मिस्टेक है। मॉब मेंटेलिटी, मॉब मेंटेलिटी मतलब भेड़ चाल। भेड़ चाल मतलब क्या है कि भेड़ चाल के लिए मैं कहूँगा क्लास की, मान लो वो होता क्या है 11th और 12th में, खैर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हर सिटी में कोई ना कोई टीचर फेमस होते हैं। बच्चा क्या कहता है, अरे उन टीचर के पास जाना है हमें, वो टीचर काफ़ी फेमस है, हम उनसे पढ़ेंगे। अब होता क्या, उनके पास 50 की स्ट्रेंथ है, 100 की स्ट्रेंथ है। अब आप जब वहाँ पे गए, आपसे बेहतर जो 8-10 बच्चे थे वो हमेशा आपसे आगे बैठते हैं, आप क्या करते हो 3-4 रो में पीछे बैठ जाते हो। कोई सवाल हुआ, ये लोग सवाल का जवाब कर लेते हैं, क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, और वो धीरे धीरे इन्हीं 8-10 बच्चों को टारगेट करते हैं टीचर। वो कहते समझ में आया, ये बच्चे कहते हैं हाँ सर समझ में आ गया, आप पीछे से कुछ बोलते नहीं है। क्यों? आपको शर्म लगती है कि इन लोगों को आता है हम लोगों को नहीं आता है। तो ये जो मॉब मेंटेलिटी है कि उन टीचर के पास जाएंगे तो वो अच्छा पढ़ाएंगे, क्लास ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। कोई बच्चा है, टीचर कोई भी हो, आप टीचर से पहले आप बुक सेलेक्ट कर लीजिए कि मेरे को ये वाली बुक पूरी कंप्लीट करनी है, उसका एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड। कोई अपनी कॉम्पिटेटिव बुक ले लीजिए जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, मैं भी कुछ आपको बाद में सजेस्ट करूंगा। तो आप उस बुक में एक तरफ से स्टार्ट हो जाइए, चैप्टर नंबर 1 से, उसका एक एक क्वेश्चन, कोई टीचर हो उसका एक एक क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए। कहीं भीड़ ज़्यादा है किसी दूसरे टीचर के पास चले जाइए, वो टीचर को नहीं आता होगा ना, वो आपकी हेल्प करेगा बताने में, वो कहीं से ढूंढ के लाएगा, सर्च करेगा, आपको समझाएगा। फिर आपको क्या करना है कि उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि टीचर ने बता दिया वो बात उसकी खत्म हो गई, आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। ये इस चीज़ से बचिए आप लोग। ये बहुत सा मैं देखता हूँ बच्चा, अच्छा टैलेंटेड बच्चा होता है, इस भीड़ में बच्चे का टैलेंट खत्म हो जाता है। 11th में भीड़ में चला गया, पढ़ाई नहीं करी, दोस्तों के चक्कर में चले गए, वहाँ पीछे बैठे रहे, अब क्या हुआ, जो आपका टैलेंट था धीरे धीरे 1 साल निकल गया, आ गए आप किस में, 12th में। 12th में आकर के फिर आप कहते हैं अरे अब तो यार बहुत बिगड़ गया है, अब कोटा कोचिंग वोचिंग जाएंगे तभी हम लोग उसको फिर देखेंगे। तो ठीक है, मेरा कहना मतलब है ये आपकी बेसिक प्रॉब्लम है, अभी तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है आप लोगों की, ये बेसिक प्रॉब्लम है जो आप फेस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इससे अगर आप जब बाहर निकलेंगे तब फिर बात आएगी कि आपको किस चीज़ में, किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, क्या है और क्या नहीं है। फिर अगर बच्चों बात करें हम लोग, जो बच्चे 12th पास आउट कर गए हैं, सेम चीज़ है, उसमें कुछ चीज़ें सेम है। पहली लैंग्वेज और वर्ड प्रॉब्लम,
कोचिंग चले गए बड़े बड़े शहर में, ठीक है, वहाँ कोचिंग में बैठे हैं, चल रही है क्लास, ठीक है, होमवर्क दे दिया जाता है, बच्चा घर पे आया, रूम पे आया, अपने हॉस्टल में आया, क्वेश्चन लगा रहा है, लैंग्वेज पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती है, टीचर ने बता दिया तो बस उसी फॉर्म से लगा लिया, क्वेश्चन समझ में समझा नहीं उसने, बस अच्छा सर ने ऐसे बताया था कर लिया, लैंग्वेज समझने की ज़रूरत नहीं समझी। सेल्फ एनालिसिस, सेम प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में 2 महीने जोश रहता है, करते हैं लेकिन फिर ये चीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उनको मिलते हैं रिपीटर्स, रिपीटर्स क्या करते हैं, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, हमारा 4 साल में नहीं हुआ, मैं टॉपर हूँ यहाँ का, कोचिंग का टॉपर हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं होता है, ये आपका जो ट्रस्ट है आपके अंदर गिरा जाएगा। ये रही बात छोटी सिटी, ये तो बात ही ख़त्म हो गई, आप चले गए कोचिंग करने के लिए कहीं बाहर, ठीक है। चौथी चीज़ है मॉब मेंटेलिटी, फिर आप उसी मॉब मेंटेलिटी में फंस जाएंगे कि 1 साल में नहीं हो पाता है, 2 साल में होगा, कैसे होगा, 1 महीना तो सब कुछ सही रहा, अब समझ में नहीं आ रहा है, और फिर धीरे 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 पूरी साल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो जो बच्चे, मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए फोकस करना चाहता हूँ जो इस समय 11th 12th में, बच्चों 11th 12th में हो, अपने घर पर हो, सबसे बेस्ट जगह होती है पढ़ने के लिए, ठीक है, अपने घर पर हो, ठीक है, 11th 12th कर रहे हो, आपके पास गोल्डन चांस है, 2 ईयर का टाइम है आप लोगों के पास, 2 साल का टाइम है, 1 11th और 1 12th, इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करें और फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, आखिरकार इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है, कि सर ने तो बोल दिया कि ये सब प्रॉब्लम है, तो करना क्या आखिरकार, पढ़ाई का तरीका क्या है, कैसे पढ़ाई की जाए, आखिर टॉपर जो होते हैं, अचीवर्स जो होते हैं, करते क्या हैं। देखो जो बातें मैं बताऊँगा वो बिल्कुल कहते नहीं, अगर जो रास्ता एक ही है, सक्सेस की तरफ जाने वाला रास्ता एक ही है, दूसरे रास्ते से जाओगे तो भटक जाओगे, नहीं पहुंचोगे, यानी कि आपके टीचर्स जो आपसे कह रहे हैं उनको पक्के से फॉलो करो। सॉल्यूशन मैं इसका आपको दूंगा और आप उस सॉल्यूशन को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली जो बच्चा एवरेज है, मैं 101% गारंटी ले रहा हूँ, बच्चा टॉपर से आ जाएगा, सिलेक्शन लेगा और बढ़िया परफॉर्म करेगा। ओके बच्चों, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फुल डिटेल में किस प्रॉब्लम को हम किस तरह डील कर सकते हैं, इस चीज़ को आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करें, प्लस जो गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस प्रॉब्लम को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, और नेक्स्ट वीडियो जब तक आता है तब तक आप खुद इन सब प्रॉब्लम्स पे फोकस कीजिए, देखिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो उन सब सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।